हमारे कई शास्त्रों में ऐसे सूत्र हैं जो ये कहते हैं कि जब समाज को ये पता ना चले कि क्या करना क्या नहीं करना, तो स्त्रियों से पूछो, वो बताएंगे कि क्या करना। क्यों? क्योंकि उनको फंक्शनल नॉलेज सबसे ज्यादा होती है। फंक्शनल नॉलेज हम समझते हैं जो क्रियात्मक ज्ञान है, जिससे कुछ हो जाता है, ऐसा ज्ञान उनको सबसे ज्यादा है, और फालतू ज्ञान पुरुषों को बहुत होता है। और उसका तमाशा देखना हो तो भारत की संसद को देख लो। देखा आपने संसद में जो पुरुष सांसद हैं वो मां बहन की गालियां देते हैं और स्त्री सांसदों को चुपचाप निकल जाना पड़ता है। भारत में पता है क्या मान्यता है? भारत में मान्यता यह है कि भाषा का विकास स्त्रियों ने ही किया है। भाषा का विकास स्त्रियों ने ही किया है, पुरुष की ताकत नहीं है भाषा का विकास करने। क्यों? क्योंकि भारतीय भाषाओं में, भारतीय भाषाएं पता है, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, बंगाली माने बंगला, आसामी, उड़िया, ये सब भारतीय भाषाएं, और हिंदी उर्दू मिलने से पहले। अभी तो हिंदी हिंदी नहीं रही है, उसमें बहुत कुछ उर्दू घुस गई है, फारसी पता नहीं क्या क्या घुस गया। तो हिंदी उर्दू मिलने से पहले और बाकी सब भारतीय भाषाएं। आपको मालूम है इनमें गालियां नहीं है, एक भी गाली नहीं है। और गाली नहीं है तो ये सिद्ध करता है कि ये भाषा स्त्रियों ने ही रची है। हाँ, क्योंकि स्त्रियों में कितना भी गुस्सा हो गाली नहीं निकलती उनके मुंह से, क्योंकि ईश्वरीय गुण है उनमें कुछ।